तो गाइस अपनी बस आ चुकी है उज्जैन से दिल्ली के लिए। अभी इसमें बैठेंगे और करेंगे अपनी यात्रा को शुरू। तो गाइस टाइम हो चुका है 10:15 और अपनी बस ने लिया है पहला ब्रेक। अभी पहले पहुंच करके यार कुछ रिफ्रेशमेंट लेते हैं, क्योंकि 7 बजे की बस थी, वैसे भी थोड़ी लेट आई है, तो उसकी वेट के चक्कर में हमने कुछ खाया भी नहीं था। अब पहले कुछ डिनर विनर करते हैं, उसके बाद में पियेंगे चाय। तो खाना अपना आ चुका है भाई, खाना वाना खा के बाहर निकलते हैं और चाय पीते हैं। तो ये बस की हो रही है अभी इंतज़ार और चाय का लिया जा रहा मज़ा। चाय बनेगी बढ़िया। अच्छा, पत्ती ठोक के चीनी रोक के अभी ऐसी है। कौन सी जगह पड़ती है वैसे भी ये? जी अगर मान लो 10 किलोमीटर बाद राजस्थान लग जाएगा। राजस्थान लग जाएगा, तो यह देख रहे हो आप 10 किलोमीटर बाद राजस्थान में एंट्री होने वाली है। टाइम क्या हो चुका अंकित जी? 10:41 हो चुके हैं। तो भाई चाय पी करके बैठे हैं, क्योंकि क्या है अभी काफ़ी सारे पैसेंजर जो है बस के सब अभी खाना खा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो यार घर में वीडियो कॉल पे पहले बात कर लेते हैं। सुबह से कंटिन्यू कर रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर बात भी नहीं हो पाई, तो पहले बात करते हैं फिर निकलेंगे। तो गाइस रात की जर्नी है जो सो के गुजारनी है, तो मिलते हैं आपसे सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 6, जैसे आँख खुली कर्टेन हटाया तो देखा यार सामने का नज़ारा कितना बढ़िया है, सूर्य उदय हो रहा है। तो भाई भैया से जैसे भी बात की है तो उन्होंने बताया कि इस टाइम अभी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद में आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं अंकित वन व्लॉग्स। तो गाइस इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे, एक्सप्रेस वे जो है वो एकदम मेरे पीछे ही है। और गाइस कभी भी अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आते हैं तो मेरे पीछे देख रहे हैं राजवाड़ा दरबार, यहाँ पर भी आके अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज भी करवा सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने की फैसिलिटीज़ भी है। गाइस हम लोग सिर्फ रुके यहाँ पे 10 मिनट के लिए टी ब्रेक के लिए, तो बस टी पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, अपना स्टॉप आ गया ISBT कश्मीरी गेट। तो अभी यहाँ ड्रॉप लेके दूसरी बस पकड़ेंगे करनाल के लिए। तो यार जर्नी बहुत ऑसम रही, लेकिन मेरा तो मैं वही कहूँगा यार ट्रेन की जर्नी बेस्ट रहती है, कितना भी सोलो बस में फिर भी नींद पूरी नहीं होती। वो ठीक है चलो स्लीपर क्लास थी अपनी, मस्त AC था, बट फिर भी ट्रेन की जर्नी जो कम्फर्टेबल है वो ट्रेन की है, बस की जर्नी उतनी कम। मैंने भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम आया हमें भी बस से, इससे पहले हमेशा मैंने ट्रेन से ही सफ़र किया। कभी भी मैं उज्जैन जैसे आता था महाकालेश्वर के लिए तो मैं ट्रेन से आता था टिकट, इस बार तो क्या होगा कि मतलब वेटिंग कंफर्म ही नहीं हुई तो मुझे बस से आना पड़ा। चलो ये जर्नी भी ज़रूरी थी, कभी कभी बस से भी ट्रैवल करना चाहिए, पता लगता है क्या है क्या नहीं। तो यार जो भी है, तो फिलहाल गाइस मैं अभी इधर तो इसको एंड करता हूँ, क्योंकि मैं अभी उतरता हूँ, मेरा स्टॉप आ चुका है, सब लोग निकल रहे हैं, पता लगे मैं ना रह जाऊँ बस के अंदर ही, और कहीं और उतार दें मेरे को यार। जस्ट अभी हम उज्जैन की बस से उतर रहे हैं और सामने कश्मीरी गेट बस स्टैंड है, तो अभी हम वहाँ जाके अपनी दूसरी बस पकड़ेंगे करनाल के लिए। गाइस अभी हम कश्मीरी गेट बस स्टैंड के अंदर आ चुके हैं अपनी दूसरी बस पकड़ने के लिए। गाइस जर्नी मेरी बहुत बढ़िया रही, अभी देखते हैं, लेकिन वही है यार मैंने जैसा आपको पहले भी कहा था, कभी भी आते हो ना ट्रेन से ही आओ यार। चलते नहीं है क्या? बताओ यार, एक्सीडेंट रहा है लेकिन वो चलते नहीं है, कमाल की बात है। तो गाइस टिकट हमने ले ली है, आयुष टिकट कटवा रहा है, बस सामने खड़ी है यार, बस एकदम खाली है, फिलहाल टिकट मिल गई है, जैसे हम पहुंचे उसी टाइम बस लगी है यहाँ पे आकर के। देखा यार
मैं लुधियाना जा रहा हूँ। लुधियाना क्या करते हो भैया? मैं मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। अरे पीछे कहीं से आ रहे हो क्या? हाँ मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। एयरपोर्ट से तो मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है बस में। अच्छा तो मैं सोचता हुआ बस में जाऊँगा। हम लोग एक्चुअली पीछे उज्जैन से आ रहे हैं। ओके हम लोग भी फर्स्ट टाइम बस में आए हैं। ट्रेन की टिकट मिलनी थी तो बस का सफर है हमारा भी। हाँ जी। तो अभी दिल्ली हम लोग यहाँ ड्रॉप हुए कश्मीरी गेट। अभी कश्मीरी गेट से ये करनाल जाएंगे इसी बस में बैठ के। ओके थैंक यू। नंबर की जरूरत नहीं पाजी, कहीं भी बैठ जाओ आप। अच्छा कोई टेंशन नहीं। सुबह जस्ट अभी पहुँचे हैं करनाल में, बस से अभी उतरे हैं। राघव को फोन किया, राघव आ रहा है लेने के लिए, उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। राघव आ गया लेने के लिए। गाइस फाइनली जस्ट मैं अभी अपने घर पहुंचा हूं। होप आपको महाकाल की जर्नी बहुत पसंद आई हो। अभी तक के गाइस महाकाल जर्नी के सारे एपिसोड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। होप आपको सभी एपिसोड्स पसंद आए हो। अगर आपको सब वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और दूसरी बात, बस की और ट्रेन की दोनों जर्नी में यार डिफरेंस यही है, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, ट्रेन बेस्ट है यार। बस से तो बहुत बेस्ट है ट्रेन, जो जर्किंग होती है ना, एटलीस्ट वो जर्किंग से बच जाओगे। तो यार ठीक है, मेरा तो प्लान मतलब सडनली हुआ जो कि मैं चला गया, आने की टिकट मेरी कंफर्म नहीं थी, इसके लिए मैंने बस से आया। वो मेरा भी चलो बस का भी एक्सपीरियंस हो गया जो सभी है, बट फिर भी यार मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी जाओ तो बस से मत जाओ, ट्रेन से ही जाना हमेशा। तो गाइस इस महाकाल की जर्नी को मैं जरिए एंड करता हूँ, तब तक मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए मैं आपसे जाता हूँ इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना मत भूलना। ओके बाय, हास्ता ला विस्ता। भस्म है बुझाओ में वस्त्र बाध छाद का देख।